चैप्टर नंबर 13 से हम लोगों ने लास्ट क्लास में चार तरह का सवाल को चर्चा किया और वो चार तरह का सवाल दो दो मार्क्स का सवाल था। अब चलिए इस चैप्टर में 3 मार्क्स आने वाले सवाल के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में 3 मार्क्स का कौन कौन सवाल आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए कैसा कैसा सवाल आ सकता है और वो सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, किस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट होगा, इस पे चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले 3 मार्क्स के सवाल में सबसे पहला बनता है बूलियन अलजेब्रा से डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। कोई लिखेगा कुछ नहीं, सब नोट्स भेजा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, सब कर दिए, पढ़ा भी किए क्लास में, नोट्स भी सबको भेज दिए, लिखवा भी दिए। चले देखिए, अब एग्जाम में इस सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपके लिए 3 मार्क्स का आता है, मीन टर्म क्या होता है और मीन टर्म का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, अथवा मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, अथवा मीन टर्म और मैक्स टर्म दोनों का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए कैसे बनेगा। तो आज सारे सवाल पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में आने वाला ये सवाल है। सबसे पहला, मीन टर्म और मैक्स टर्म में काम करने के लिए, मीन टर्म और मैक्स टर्म में काम करने के लिए आपको कुछ नियम को याद रखना होगा, आपको कुछ नियम को याद रखना होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। क्या आशीष, अरे तो बुलाया है, कितना बजे? यहां पे 3 मार्क्स का सवाल बनता है, मीन टर्म को डिराइव कीजिए अथवा मैक्स टर्म को डिराइव कीजिए अथवा दोनों को डिराइव कीजिए। तो चलिए आपको आज हम मीन टर्म निकालना सिखाते हैं, मैक्स टर्म निकालना सिखाते हैं और दोनों को एक साथ निकालना सिखाते हैं, यानी 3 मार्क्स का सवाल हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले मीन टर्म और मैक्स टर्म में काम करने के लिए यहां पे आप लोगों को कुछ नियम याद रखना होगा। मीन टर्म और मैक्स टर्म को में काम करने के लिए यहां पे आपको कुछ नियम याद रखना होगा। नियम क्या है बाबू, कि जब जब मीन टर्म में काम करेंगे, जब जब मीन टर्म में काम करेंगे, जब जब मीन टर्म में काम करेंगे तो वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में वेरिएबल के बीच क्या लगाना है, डॉट। क्या लगाना है, डॉट। जब जब मीन टर्म को निकालना रहेगा वेरिएबल के बीच क्या लगाइए, डॉट। और जब जब मैक्स टर्म निकालना रहेगा वेरिएबल के बीच प्लस। कुछ नियम याद रखिए, पहले जब भी मीन टर्म में काम करेंगे वेरिएबल के बीच, जब भी मैक्स टर्म में काम करेंगे वेरिएबल के बीच, जब भी मीन टर्म में काम करेंगे वेरिएबल के बीच, जब भी मैक्स टर्म में काम करेंगे वेरिएबल के बीच। नेक्स्ट, दूसरा नियम, जब भी मीन टर्म में काम करेंगे तो मीन टर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। मीन टर्म में फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे, 1 से। मीन टर्म में फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे, 1 से। और मैक्स टर्म में फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट 0 से। क्या बोले, समझ में आया? जब भी मीन टर्म और मैक्स टर्म निकालना हो वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में वेरिएबल के बीच, मैक्स टर्म में वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे, मैक्स टर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट 0 से। क्या क्लियर है? यस सर। अब मीन टर्म में
जब पार लगेगा, पार समझ में आता है ना, कॉन्फिडेंस। मीन टर्म में जब पार लगता है तो पार लगाया जाता है किस पे, जीरो पे। और मैक्स टर्म में जब पार लगेगा, पार लगेगा वन पे। क्या ये तीनों नियम समझ में आया? Yes, जब क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, वेरिएबल वेरिएबल के बेस फंक्शन को रिप्रेजेंट, फंक्शन को रिप्रेजेंट, फंक्शन को रिप्रेजेंट, और बार किस पे लगेगा, बार किस पे लगेगा, जब क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, नेक्स्ट टर्म में वेरिएबल वेरिएबल के बेस फंक्शन को रिप्रेजेंट, फंक्शन को रिप्रेजेंट, सबसे पहला मीन टर्म कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। मीन टर्म निकालने का तरीका, चलिए फर्स्ट हम लोग मीन टर्म पे काम करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिए मीन टर्म। अब मीन टर्म कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो। वैसे तो मीन टर्म दो वेरिएबल का भी बनेगा, तीन का भी बनेगा, लेकिन हम बताएं कि ज्यादातर ट्रुथ टेबल तीन वेरिएबल में क्रिएट करते हैं, तो चलो मीन टर्म भी एग्जाम में जो ज्यादातर आता है कितने वेरिएबल का, तीन वेरिएबल। तो मीन टर्म तीन वेरिएबल का कैसे बनाया जाएगा? तो मीन टर्म निकालने के लिए अपने से कोई तीन वेरिएबल ले लो, जैसे एक्स वाई जेड। क्या ले पाओगे जे? एक्स वाई जेड ले पाओगे जे? तीन वेरिएबल लेने के बाद बताइए तीन वेरिएबल में बॉक्स कितना बताए थे? भूल गया क्या? अरे पढ़ाए दो वेरिएबल में कितना बॉक्स? दो वेरिएबल में चार। तीन वेरिएबल में आठ। तीन वेरिएबल में आठ। तो टोटल कितने बॉक्स बन गए? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। बना पाओगे आप लोग? अब आठ बॉक्स बना दिए तीन वेरिएबल का, आपको मीन टर्म निकालते हैं। अब जब भी हम लोग इस तरह का टेबल क्रिएट करते हैं, कल आपको समझाए थे कि इसके सारे बॉक्सेस में या तो जीरो से फिलअप करना है या तो वन से, जीरो और वन से, जीरो और वन से। तो राइट साइड के पहला बॉक्स में क्या भरते हैं? भूल गया क्या रे? पहला में जीरो, दूसरा जीरो, जीरो, जीरो। सबसे पहला जीरो बनेगा, जीरो वन से फिलअप करेगा। अब दूसरा बॉक्स में आइए तो पहला जीरो का दुगुना करना है, दूसरा बॉक्स में आपको दो जीरो, पहला में जीरो वन जीरो वन हो जाएगा, दूसरा में डबल जीरो, डबल जीरो, तीसरा में दो जीरो का दुगुना करो, एक दो तीन चार, उसके बाद एक दो तीन चार कर पाओगे जी? पहला बॉक्स में जीरो वन लिखेगा, दूसरा बॉक्स में दो जीरो दो वन, तीसरा में चार जीरो, आठ जीरो, सोलह जीरो, सोलह। अगर ऐसा रहा तो बट आपको ज्यादा तीन वेरिएबल का ही मिलने वाला। क्या बोले, क्लियर है? चलिए अब इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद हम आपको निकालना सिखाते हैं मीन टर्म। क्या निकालना सिखाते हैं? क्या निकालना सिखाएंगे जी? देखिए मीन टर्म निकालने के लिए पहला नियम, मीन टर्म निकालने के लिए पहला नियम वेरिएबल वेरिएबल के बीच, वेरिएबल वेरिएबल के बीच। यहाँ वेरिएबल कौन कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ एक्स गुना डॉट लगाएंगे, डॉट लगाओ या ना लगाओ ऑटोमेटिक रहता नहीं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड। मीन टर्म में वेरिएबल के बीच क्या लगाना है? तो यहाँ पे x, y और क्या है? z। x dot y dot z। यहाँ भी x dot y dot z। 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 चलिए मीन टर्म का पहला नियम बोला कर दिए? यस सर। आइए बोलिए यस सर। मीन टर्म का पहला नियम क्लियर है? यस सर।
हंसक का वैल्यू क्या होगा? इसका आगे यूज करेंगे, दिया सवाल में नहीं, हंसक का काम अभी सवाल में दिया नहीं। चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। मार्क किस पे लगेगा? जीरो पे। मेन टर्म में मार्क किस पे लगेगा? जीरो पे। मेन टर्म में मार्क किस पे लगेगा? जीरो पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स में क्या है? जीरो। वाई में? जीरो। जेड में? जीरो। और इसका कहना है कि बार भी किस पे लगाना है? जीरो पे। यहाँ एक्स पे, वाई पे, जेड पे, तीनों पे बार लगेगा, क्योंकि एक्स, वाई, जेड तीनों का वैल्यू क्या है? जीरो। इधर देखिए सेकंड लाइन वाली एक्स पे क्या है? जीरो। मतलब बार लगेगा? यस सर। वाई पे क्या है? जीरो। मतलब बार लगेगा? यस सर। जेड पे क्या है? वन। वन में बार लगता नहीं है। यहाँ समझे या नहीं? यस सर। यहाँ जेड पे बार क्यों नहीं लगा समझ में आया? यस सर। क्योंकि जेड का वैल्यू क्या है? वन। और यहाँ बार सिर्फ किस पे लगाना है? जीरो पे। तीसरा लाइन आई एक्स के जगह क्या है? जीरो। y के जगह वन में बार लगेगा नहीं। और z के जगह जीरो। x के जगह क्या है? जीरो। x के जगह जीरो। y के जगह वन। z के जगह वन। तो सिर्फ यहाँ बार किस पे लगा? ऐसे। यहाँ x पे लगेगा क्या? क्योंकि x का वैल्यू क्या है? वन पे बार लगेगा नहीं। यहाँ पे y पे लगेगा क्या? y पे लगेगा। yes, y का वैल्यू क्या है? जीरो। z का वैल्यू क्या है? जीरो। क्लियर हो? yes, sir. x का वैल्यू क्या है? वन पे बार लगेगा। no, sir. y का वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो पे बार लगेगा। yes, sir. z का वैल्यू क्या है? वन पे बार लगेगा। no, sir. x का वैल्यू वन। y का वैल्यू वन। z का वैल्यू जीरो। x का वैल्यू वन। y का वैल्यू वन। z का वैल्यू वन। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। हाँ या नहीं बोलिए? यस सर। क्लियर है मेरे भाई? यस सर। तो ये था क्या निकालना? मीन टर्म है क्या भाई? यस सर। मीन टर्म निकालने के लिए वेरिएबल वेरिएबल के बीच वेरिएबल वेरिएबल के बीच बात किस पे लगा दिए? जीरो पे। बस मीन टर्म निकल गया, तीन मार्क्स का आंसर। क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज मीन टर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल सकते हो, और मैक्स टर्म को सिंपल चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मीन टर्म को छोटा एम से रिपर चेंज कर सकते हो और मैक्स टर्म को बड़ा एम से रिपर चेंज कर सकते हो विद देयर डेसिमल वैल्यू, उसके डेसिमल वैल्यू के साथ, और जीरो वन के साथ नहीं, डेसिमल वैल्यू के साथ रिपर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना जबरदस्ती नहीं। जैसे मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक बक्सा और बना दिए, लिख दिए एस एच एन, शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते हैं। मैंने मीन टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे पहला वाले को छोटा एम से, लेकिन छोटा एम अकेले नहीं रहता है, इसके साथ कुछ डेसिमल वैल्यू रहता है। डेसिमल वैल्यू कहां से रहेगा? जीरो से। ए वन, ए टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अगर आप चाहो तो इसको लगाना है, वरना इसको लगाने का जरूरत नहीं है। बताइए क्या आपसे मीन टर्म निकल पाएगा? हाँ क्या जी? सर। सबसे पहले मीन टर्म निकालने के लिए याद रखना वेरिएबल वेरिएबल के बीच वेरिएबल वेरिएबल के बीच उसके बाद डबल जीरो डबल वन भर पाओगे, चार जीरो चार वन भर पाओगे, जो भी वेरिएबल है उसके उसके बीच में डॉट लगा पाओगे, सारा डॉट लगा दोगे, और बार किस पे लगा देना है? सवाल निकालने के लिए नियम ऊपर दिया गया है,
वेरिएबल वेरिएबल के बीच क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बताओ वेरिएबल कौन है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस बोलो ना रे, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस, क्या सब में प्लस प्लस लगा पा रहे हैं? मीन टर्म में क्या लगाए थे? लेकिन डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म में क्या लगाना है? प्लस लगाना पड़ेगा। मीन टर्म में बात किस पे चाहे थे? नेक्स्ट टर्म में बात किस पे चाहेंगे? वन पे चाहेंगे। जीरो वाई जीरो चेक में जीरो, क्या कहीं भी वन है? कहीं भी बार लगने वाला नहीं है, क्योंकि बार किस पे लगेगा? बार किस पे लगेगा? तो नीचे वाला देखो, एक्स में क्या वन है? वाई में वन है? चेक में वन है? मतलब चेक पे बार लगेगा। क्या एक्स में वन है? वाई में वन है? मतलब वाई पे बार लगेगा। चेक में वन है? एक्स में वन है? वाई में वन है? मतलब वाई पे बार लगेगा। जड़ में वन है? मतलब जड़ पे बार लगेगा। अब नीचे आइए, क्या यहाँ पे एक्स पे यहाँ पे आपका वन है? वन एक्स पे बार लगेगा। वाई में वन है क्या? जड़ में वन है? एक्स में वन है? वाई में वन है? जड़ में वन है? जड़ पे बार लगेगा। एक्स में क्या वन है? नहीं है। वाई में वन है? जड़ में वन है? जड़ पे बार नहीं लगेगा। क्या एक्स में वन है? वाई में वन है? जड़ में वन है? तीनों पे बार लगेगा। निकल गया क्या? अगर आप चाहो तो इसको बड़ा एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहला मैं बड़ा एम 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 का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। बताइए क्या मीन टर्म में मैच हार्ड है क्या? क्या आप लोगों से 3 नंबर आ पाएगा? मीन टर्म और मैच टर्म निकल पाएगा भैया? क्या मीन टर्म और मैक्स टर्म निकाल पाओगे? मीन टर्म और मैक्स टर्म निकाल पाओगे? देखो मीन टर्म में वेरिएबल वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में वेरिएबल वेरिएबल के बीच, मैक्स टर्म में वेरिएबल वेरिएबल के बीच, मीन टर्म में बार किस पे? जीरो पे। मैक्स टर्म में बार वन पे। मीन टर्म में परसेंट का वैल्यू वन, मैक्स टर्म में परसेंट का वैल्यू जीरो, जीरो। मीन टर्म को रिप्रेजेंट बनेगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी मीन टर्म और मैक्स टर्म ना पूछ करके क्या निकालने पूछता है? एसओपी। क्या निकालने पूछता है? एसओपी। या क्या निकालने पूछेगा? पीओएस। एसओपी या पीओएस? एसओपी या पीओएस। तो देखो एसओपी या पीओएस में क्या काम करना है, कितना निकाल लिए हैं, अब क्या कहता है? एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप क्या कीजिए? सम। क्या कीजिए? सम। सम कीजिए किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कौन है? इंडिया। प्रोडक्ट कौन है? इंडिया। प्रोडक्ट कौन है जी? इंडिया। यानी एसओपी में काम होने वाला है इंडिया। पीओएस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या बोल रहे सुना रहा है? प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल रहे हैं? सम। तो पीओएस में प्रोडक्ट करना है, क्या करना है? प्रोडक्ट। किसका करना? सम का। सम कौन है? सम कौन है? सम कौन है? सम कौन है जी? तो एक शब्द में आप एसओपी को सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर क्या कर सकते हैं? इंटर। और पीओएस को प्रोडक्ट ऑफ सम या फिर मैक्सटर। आप लोगों से मीन टर्म निकलेगा। यस सर। कुछ करना है इसमें? नो सर। इसमें सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है? एक्स वाई जेड लिख देना है। फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन उतार देना है।
मीन टर्म में तीनों को गुणा करके और भाग किस पे लगा देना है? जीरो। नेक्स्ट टर्म में तीनों को जोड़ के भाग किस पे लगा देना है? मीन टर्म और नेक्स्ट टर्म तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल में आपको निकालने के लिए मीन टर्म के जगह पे क्या निकालने बोल दिया जाए? एसओपी। क्या निकालने बोला जाए? एसओपी। या फिर क्या निकालने बोला जाए? एसओपी या फिर पीओएस। तो एसओपी का कहना है कि हमारे अंदर आप क्या कीजिए? किसको? हमारे अंदर आप क्या कीजिए? किसको? प्रोडक्ट कौन होता है? तो हमारे अंदर आप मीन टर्म को क्या कर दीजिए? सर्व कर दीजिए। मीन टर्म को क्या कर दीजिए? सर्व। क्या ये सारे के सारे मीन टर्म है? यस सर। मैं बोलता है यस सर। लेकिन मीन टर्म में फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? मीन टर्म में फंक्शन का वैल्यू तो बताओ, फंक्शन के वैल्यू क्या फर्स्ट में माना है? सेकंड में माना है? सेकंड में माना जाए? सेकंड में माना है तो सेकंड वाला मीन टर्म उठाया जाए। एक्स बार वाई बार जेड। तो यहां पे x बार y बार चल चल थर्ड में माना है? yes, sir। थर्ड वाला मीन टर्म को उठाया जाए। x बार y चल x बार y चल। अगला मेहमान है? yes, sir। अगला मेहमान है? yes, sir। इसको भी उठाया जाए। x बार y चल x बार y z। अगला मेहमान है? वन है? वन है? वन है? उठाया जाए x y और z। x y और z। बताइए हम सिर्फ वन 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 वाला को क्यों उठाए? क्योंकि निकालना क्या है? निकालना क्या है? SOP। मतलब SOP का मतलब जो तुम्हारा मीन टर्म है तो उसको आप क्या कर दीजिए? सम। यानी हमारे अंदर आप सम कर दीजिए। किसको? सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए? बीच में खाली प्लस लगा। ये अलग तीन नंबर का सवाल है, हम एक ही बता दिए। किसको? सबको। प्रोडक्ट किसको करना है? सबको। प्रोडक्ट किसको करना है? सबको। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रोडक्ट किसको करना है? सबको। सम कौन किया है? यस सर। सम कौन किया है? यस सर। और यहाँ पे मैक्स टर्म में फंक्शन का वैल्यू क्या लगता है? जीरो। मैक्स टर्म में फंक्शन का वैल्यू जीरो। मैक्स टर्म में फंक्शन का वैल्यू जीरो। तो चलिए, फंक्शन में पहला क्या जीरो है? अगर जीरो है तो जीरो वाला में किसको उठाइए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जीरो है? जीरो है? जीरो है? जीरो है? जीरो है। किसका वाला उठाना है? मैक्स टर्म। आगे जीरो है? उठाना है तो एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई प्लस जीरो है? एक्स बार प्लस वाई बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जहाँ जहाँ जीरो था उसको उठा लिया मेरे भाई। उठाने के बाद बोला क्या कर दो? क्या कर दो? किसको? ये सात सम है, इन सब के बीच में पूछो सवाल। उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। कितने कैसे सवाल? चार मार्क्स के लिए पूछा जाता ध्यान से देखिए। चार मार्क्स के लिए सवाल हमेशा पूछा जाता है। नियम सबका सेम है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए। जब भी कैमैप बनाना रहेगा कैमैप दो तरीके से बनाया जाएगा, एक एसओपी और एक पीओएस। एसओपी को कहते हैं मीन टर्म और पीओएस को कहते हैं मैच टर्म। क्या बोलेंगे? मैच टर्म। तो सबसे पहले
क्या मैम कितने तरीके से बनेगा? दो तरीके। जल्दी बोलो, क्या मैम कितने तरीके से? दो तरीके। पहला का नाम एसओपी, दूसरा का नाम यूएस, एसओपी का पूरा नाम डॉट अब इधर जितना भी बक्सा है ए डॉट बी
A डॉट बी इधर जितना मार्क्स आए C डॉट डी हो पाएगा? Yes, sir. क्या ये हो पाएगा? Yes, sir. बोलो ना बाबू. Yes, sir. चार बाई चार का बना पाएगा? Yes, sir. चार रो चार कॉलम बना दीजिएगा? Yes, sir. बनाने के बाद वेरिएबल को दो एक साइड दो एक साइड वेरिएबल वेरिएबल के बीच का होना चाहिए. अब बाबू इस बॉक्सेस का कुछ नंबरिंग होता है. अब नंबरिंग का कुछ नियम भी है लेकिन वो नियम हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कभी फिर मिलेंगे. तो सबसे पहला बॉक्सेस का नंबरिंग होता है जीरो, फिर वन, फिर थ्री, फिर टू, फिर फोर, फाइव, सेवन, सिक्स. नीचे आ रहा नीचे एट नाइन इलेवन आपको याद कर लेना है. क्या याद कर पाओगे? Yes, sir. सबसे पहला मकसद है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बॉक्सेस को नंबरिंग को याद कर लेना. देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं है इतना काम तो सबने होगा. इतना के बाद आपको क्या करना है? इधर वाले जो वेरिएबल लिए इसका वेरिएबल का सबसे पहला वेरिएबल का नाम होता है जीरो जीरो. इस वजह किसे कहते हैं? जीरो. दूसरा कौन? जीरो. तीसरा कौन? वन वन और इधर भी जीरो 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 वन वन. ये नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन इसमें हमको कुछ काम करना है इसके लिए. अब सुन अब बताया गया कि जब एस ओ पी रहेगा यानी सिग्मा रहेगा तो बार किस पे लगता है? बार किस पे लगता है? बार किस पे लगता है जी? तो हम देखिए यहाँ दोनों जगह जीरो है. Yes, sir. दोनों पे बार लगे. यहाँ किस पे जीरो है? ए पे बार लगे. यहाँ दोनों पे. यहाँ बोलिए ना इस सबको मिला. बस हम बार लगाने के लिए इसको ले देते. इसको लगाने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि शुरुआत में दोनों पे बार, सेकंड में फर्स्ट पे, थर्ड में किसी पे नहीं, फोर्थ में लास्ट. और नहीं तो ये नंबर रहने देते हैं ताकि अगर समस्या को क्या बोले समझ में आया. राइट साइड में जाइए किधर किधर दिया हुआ है. पहला किस पे? वन पे. तो वन पे वन डालो.
दूसरा 3 पे 1 डालो, तीसरा 5 पे 1 डालो, चौथा 1 डालो, अगला 9 और 11 पे डालें, 15 नहीं था यहाँ पे, 15 के बाद यहाँ पे 13 है आपका, 15 के बाद 13, 15 के बाद 13, उसके बाद 4, क्या आएगा भैया 4, उसके बाद 12, 6 है ना, आया नहीं बोलू, चलो इसमें जो जो काम करना है लगभग मेरा सारा काम तो हो ही जाएगा, सारा काम तो हो ही जाएगा, एक काम छूट जा रहा है जिसके जगह पे 6 घंटे के जगह पे हम 2 लिख देते हैं, इसलिए कि जितना काम इसमें होता है सब एक ही में सब समझाना है, ठीक है। देखिए यहां तक भी आपको कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस दिए गए एक्सप्रेशन को, दिए गए फंक्शन को क्या किया, इसे दिए गए एक्सप्रेशन को दिए गए फंक्शन के जगह पे वैल्यू कितना मिटाना है, कितना मिटाना है, और सबसे मेन काम अब आपका चालू होगा, इतना तीन सब में काम सेम रहेगा, क्लियर है, अब आपका मेन काम चालू होता है, पहला मेन काम आपका घेरना, बॉक्सेस को क्या करना, घेरना, क्या करना, घेरना, अब घेरने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, घेरने के लिए तीन तरीका, पहला आपको कैसे ऑप्टल में 8 घेरना पड़ता है, ऑप्टल में घेरने के लिए कितना बक्सा, 8, दूसरा को कहते हैं क्वार्ट में घेरने के लिए कितना बक्सा, 4, तीसरा को कहते हैं पेयर में घेरने के लिए 2, तीन तरीके से घेराव करना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्टल में कितना बक्सा घेरना है, 2। अब घेरने का नियम समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पे बक्सा है इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा, अब इधर इसमें घेरना है तो घेरने का नियम समझिएगा थोड़ा सा, क्या इसी में समझा देते हैं, चलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कितना को घेरने का, 8, सबसे पहले प्रयास करना बड़ा से बड़ा घेरना, सबसे पहले कोशिश कितना का करना, 8, क्या 8 बक्सा कहीं से घेराएगा आपका, हाँ या नहीं बोलिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 को घेर दीजिए ऐसे, क्या समझ में आया, अरे हाँ या नहीं, सबसे पहले कितना को मैंने घेरा, 8 को, कितना को घेरा, 8 को, अब 8 के बाद फिर प्रयास कीजिए, 4 नहीं, 8 ही प्रयास करो, क्या 8 फिर से घेराएगा, 8 फिर से घेराने वाला नहीं, क्योंकि बच रहा है 1 2 3, अरे 3 ही को बच रहा है, तो 8 घेराने वाला नहीं है, अब प्रयास कितना कीजिए, 4, कितना प्रयास कीजिए, 4, तो जब 4 प्रयास कीजिएगा तो आपके पास 1 द्वार कितना बचा है, 3, तो इसमें एक रूल और है कि अगर आप किसी को दोबारा घेरना चाहते हैं, तो दोबारा भी घेर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक ना एक नया होना चाहिए, क्या बोले समझ में आया, यानी अगर किसी को दोबारा घेरने पे कुछ बनाया जा रहा है तो आप इसमें दोबारा भी घेर सकते हैं, तो आप देखिए क्या 1 2 3 4 ये दोनों को दोबारा घेरने पे 4 नहीं बनेगा, समझिए बात को, ये दोनों को दोबारा घेरने पे 4 नहीं बनेगा, तो जब भी कुछ नया बने तो आप किसी को दोबारा घेर सकते हैं,
समझ में आया? yes, एक आठ बन गया, yes, एक क्या बन गया? अब बच क्या गया? एक बच रहा है, yes, और एक बच रहा है, yes, तो एक में तो आठ को बनने वाला नहीं है, चार को भी बनने वाला नहीं है। चलिए ट्राई किसका करते हैं? फेयर में कितना चाहिए? दो। कितना चाहिए? दो। तो यहाँ पे एक एक वाइल दो बना पाएंगे? कब बना पाएंगे? जब इसको दोबारा घेरेंगे। क्या इसको दोबारा घेर सकते हैं? जब एक भी बच रहा और घेरने पे कुछ नया बन रहा है, दोबारा आप घेर सकते घेरने का मतलब समझ में आया? प्रयास करना है कितना घेरने का? फिर फिर दो। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि आठ और चार और दो तीनों घेरने वाला मिले। हो सकता है कि जितना मिले सब आठ वाला मिले, हो सकता है सब चार वाला मिले, सब दो वाला मिले, हो सकता है एक आठ वाला एक दो वाला मिल जाए। क्या बोले समझदार है? हम यहाँ तीनों तरीका का बता रहे हैं इसीलिए ताकि तीनों तरीका कैसे कैसे होता हुआ आप समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में तीनों तरीका रहे ये जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे? क्लियर है? एग्जाम में तीनों तरह का घेरने वाला मिले ये जरूरी नहीं है। इतना याद रखना, घेरने के बाद एक भी वन बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी वन बच जा रहा है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है या फिर आप घेरे गलत है। एक भी वन बच जा रहा है इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या तो आप घेरे गलत है, इसलिए एक भी वन बचना नहीं चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, क्या ये घेर पा गया सब? चलिए घेरने का कुछ और नियम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो सीधा सीधी अगर आठ रहेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, सीधा सीधी आठ है तो क्या ये सीधा सीधी घेर पाइएगा? अरे सीधा सीधी घेर पाओगे? मैं बोलता है अब अगर आठ आपको दूसरा तरीका से घेरना है तो अगर मान लीजिए ऊपर में कितना? ऊपर में चार, एक दो तीन और चार, और नीचे में भी कितना? चार। अगर ऊपर चार है और नीचे चार है और बीच में कुछ नहीं, ऊपर चार और नीचे चार बीच में कुछ नहीं, तब आप इसको नीचे करके और आप इसको ऊपर करके मिला करके टोटल कितना बना सकते हैं? आठ। कितना बना सकते हैं? आठ। क्योंकि ये जब ऊपर घूमेगा और वो जब नीचे घूमेगा तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? आठ। ये दूसरा नियम कि जब आठ बनाना हो तो देख लेना क्या ऊपर और नीचे में चार चार है क्या। अगर ऊपर और नीचे में चार चार है तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा? आठ। कितना बनाएगा? आठ। सबसे पहले सीधा सीधी समझ में आया? अरे सीधा सीधी बक्सा समझ में आया? अगर सीधा सीधी ले रहा ऊपर चार और नीचे चार तो आठ बनेगा। ऊपर चार और नीचे चार आठ बनेगा। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में चार और राइट साइड में चार, लेफ्ट साइड में चार और राइट साइड में चार, तो मिला करके इधर और इधर आप कितना बना सकते हैं? आठ। घेरने का कितना नियम? कितना रे? तीन नियम है। एक तो सीधा सीधी, सीधा सीधी ऊपर नीचे कायम है। आठ घेरने का कितना नियम? एक तो बक्सा डायरेक्ट सीधा बीच में घेर लोगे, दाया बाया चार चार आठ हो जाएगा, ऊपर नीचे चार चार आठ मिलके आठ। क्लियर है? सेम प्रक्रिया चार घेरने का। चार घेरने का अगर बीच में रहा तो चार सीधा सीधी हो जाएगा, दाया बाया मिला के चार हो जाएगा, ऊपर नीचे मिला के भी चार। लेकिन चार घेरने का एक एक्स्ट्रा नियम बढ़ जाता है कि अगर चारों कोना में एकक है, चारों कोना में एकक है तो चारों कोना मिला करके भी एक ऐसे 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 और ऐसे चारों कोना मिला करके कितना बनाया जा सकता है? चार। यानी आठ घेरने का कितना नियम? एक सीधा सीधे ऊपर नीचे कायम है। चार घेरने का कितना नियम? चार घेरने का कितना नियम? एक तो सीधा सीधी ऊपर नीचे दाया बाया और एक कोना कोना, एक में क्या आ जाएगा? कोना। सर नोट्स वगैरह भेज दिए भाई? सारा बता चुके हैं। हो पाएगा आप लोगों से? मैं बोलता हूँ सेम उसी तरीके से किसका आएगा? पेयर।
क्या आ जाएगा? बेहतर। चलिए तो अब खेलना समझ में आ गया ना? अरे ये नियम समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत सारे नोट्स ने दिए, क्वेश्चन को तैयारी करना, टेस्ट का भी तैयारी करना, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहला कैमैक बनाने के लिए सबसे पहला नियम, कैमैक बनाने का सबसे पहला नियम, बक्सा चार बार चार बना लिया, इसके बाद वेरिएबल को दो भागों में बांट दिया, एक साइड आधा एक साइड आधा, नंबरिंग नोट कर देगा, बोलो ना, उसके बाद जहां जहां वैल्यू रहेगा वहां वन वन चढ़ा देगा, इतना काम करने के बाद घेरने का नियम समझ में आया, आठ बक्सा घेरना है, चार घेरना और दो, आठ घेरने के लिए नियम समझ में आया, चार घेरने का नियम गोली घेरा जाएगा। अब चलिए, घेरना सबसे बड़ा काम था, जो बच्चे घेर सही लिए हैं वो बच्चे से आंसर सही आ जाएगा। अब घेरने के बाद बताइए, पहला आपने आठ को घेरा, आठ को बोलो ना, तो आठ को घेरा है तो आठ को क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो आठ किससे किससे मिला के बना है, आठ किससे किससे मिला बना, वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव सेवन, थर्टीन फिफ्टीन नाइन अलेवन, थर्टीन फिफ्टीन नाइन अलेवन, मोबाइल सबसे चलिए। अब इसके बाद ये चार बना है, चार बार चार बना है, चार को क्या करते हैं, चार को देखिए, चार किससे किससे मिलकर बना है, चार पांच बारह तेरह, नेक्स्ट आपका क्या है, पेयर, पेयर किससे किससे मिलके बना है, पेयर मिलके बना है थ्री और टू, सब एग्जाम में ये ऑक्टल क्वाड पेयर तीनों हमेशा आएगा नहीं, हम तीनों इसलिए बताए ताकि तीनों में आप समझ जाइए कि काम कैसे कैसे होता है, एग्जाम में हो सकता है खाली ऑक्टल है, सी क्वाड है, सी पेयर है, एक क्वाड एक ऑक्टल, एक पेयर एक ऑक्टल, एक क्वाड एक पेयर, कुछ भी आ सकता है भाई। इसमें सबसे आप अभी तक क्या काम किए बोली थी, अभी तक अगर सचमुच में आपने कोई काम किया तो क्या किया, इसके अलावा अभी आपने कोई काम किया नहीं, तो आपको अपना दिमाग से मात्र दो काम करना है, एक घेरना है और एक रिड्यूस करना है, कॉमन लेना है, एक घेरना और एक कॉमन लेना है, घेरना और एक कॉमन लेना, तो आपने बहुत बड़ा काम कर चुका है, क्या करके घेर करके, चलिए कॉमन लेना सीखा। कॉमन लेते समय यह देखना है कि जो ऑक्टल बना है या जो क्वाड बना है या जो पेयर बना है, कॉमन लेते समय यह देखना है कि जो ऑक्टल क्वाड या पेयर बना है, कॉमन लेते समय यह देखना है कि जो ऑक्टल क्वाड या पेयर बना है वो कौन कौन सा रो से और कौन कौन सा कॉलम से मिला के बना है। तो चलिए सबसे पहला ऑक्टल में आते हैं, ऑक्टल में, ऑक्टल में देखिए, यही ऑक्टल भैया, यस सर, रहा है नहीं, यस सर, तो ऑक्टल में देखिए ये रो भी आया है, यस सर, समझता है, यस सर, ऑक्टल में ये भी रो आया है, यस सर, ये रो भी आया है, यस सर, ये भी रो आया है, यस सर, ये भी रो आया है, यस सर, ऑक्टल में कितना रो से मिला के बना है, कितना रो से मिला के, चार रो में आपको कॉमन निकालना है, तो चार रो में कॉमन निकालते समय वैल्यू हो जाता है जीरो, चार रो का कॉमन वैल्यू हो जाता है जीरो, कैसे होता है बाद में प्रूफ करेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि जब भी कॉमन निकालेंगे तो या तो दो रो में कॉमन निकालेंगे या तो अगर अकेले है तो सारा ले लेंगे, अकेले है तो सारा ले लेंगे, दो रो है तो कॉमन निकालेंगे, तीन को तो रहेगा नहीं, अगर चार को है तो वो चार को कभी कॉमन लेना नहीं है, क्योंकि चार को में कभी कॉमन आता ही नहीं है, सब है नहीं, क्या हो जाता है जीरो। अब देखिए, मतलब इसका रोज से कोई कॉमन वैल्यू आने वाला नहीं है, क्या बोले समझ में आया, कभी भी चार के बीच कॉमन निकालना वैल्यू नहीं आने वाला नहीं है, चार के बीच कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, चार के बीच कॉमन वैल्यू जीरो। चलिए, रोज तरफ तो कुछ मिला नहीं, कॉलम में आइए, यही दोनों से मिलके बना है, अरे देखिए आप, क्या ऑक्टल यही दोनों से मिलके बना है, ये दोनों देखिए, सी बार है, सी है, डी डी है,
दोनों मैच कौन कर रहा है? डी भी मैच कर रहा है। अरे सी बार और सी अलग अलग हो जा रहा है ना, डी और बी सेम है। इन दोनों कॉलम से मैच क्या किया? कर पाओगे? ऑक्टल का काम। अब आइए किसमें? क्वार्ट। ये नहीं अजय, क्वार्ट में देखो, ये रो आ रही है, पहले रो देखना, यही दोनों रो है ना। अभी इस रो में देखिए क्या दो है, दो तो दो में कॉमन निकलेगा ना जी। ए बार ए बी बी, ए बार ए बी बी, कौन मैच किया? इधर से बी उठा। चले रो का काम खत्म। कॉलम में आई, कॉलम यही दोनों है। अरे कॉलम यही दोनों है, कॉलम में ये दोनों देखिए, सी बार डी बार डी, कौन मैच किया? सी बार मैच किया। इधर से उठा लो, इसके बी के बगल में लो सी। समझ में आया कैसे कॉमन निकल रहा है? क्लियर है? और कहीं भी अगर चार के बीच कॉमन लेना है तो उसका चार के बीच कॉमन आने वाला नहीं है, छोड़ देना, दूसरे सेक्शन में। उसके बाद इसका भी काम क्या हो चुका है? अब आइए किसमें? पेयर में आई, यही पेयर है मेरे वहां। अब पेयर का देखो, रो यही है, अकेले है मेरे वहां। जब भी अकेले रहेगा तो सबको उठा लेना, अकेले रहेगा सारा ले लेना। क्लियर है? अकेले रहने पे सारा ले लेना है। अब ये रो का काम करता हूँ। कॉलम में आएंगे जी, कॉलम में देखिए, यही दोनों कॉलम है, सी सी डी डी बार, सी मैच किया। हमेशा ऑक्टल का कॉमन एक ही आएगा, हमेशा फिक्स है। ऑक्टल का कॉमन निकालो, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या सी या डी, ए बार बी को डी बार सी बार कुछ भी आ सकते, हमेशा ऑक्टल का कॉमन एक है। क्वार्ट का कॉमन दो, पेयर का कॉमन एक, ऑक्टल का कॉमन एक, ऑक्टल का कॉमन एक, ऑक्टल का कॉमन एक आया, क्वार्ट का कॉमन दो, पेयर का कॉमन एक, हमेशा एक। क्या मुझे समझ में आया? अब सिंपली लिखना है रिड्यूस। क्या लिखना है? रिड्यूस। पहला क्या है? डी। दूसरा क्या है? बी। और तीसरा? ए बार बी बार सी। अब इसको बनाए किससे है? मतलब और एस और पी में सम ऑफ क्या किया जाता है? जो प्रोडक्ट निकाले उसका क्या करेंगे? बी के बीच प्लस, बड़ा प्रोसेस है लेकिन आसान भी। क्या आप लोग से बन पाएगा? yes, अब अगर इसको एस और पी की वो एस से बनाना रहेगा, बना पाइएगा। yes, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ कौन बनाए क्या लगाना है? yes, जगह जीरो के बाद के जगह हो पाएगा प्रोसेस, बाकी घेरना उड़ना रिड्यूस रिड्यूस सब से हो पाएगा। yes, चलिए चैप्टर नंबर 13 क्लियर है मेरे भाई। yes,